अपने करियर में ज्यादातर फ्लॉप फिल्में देने वाली जैकलिन फर्नांडिस की संपत्ति देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं। बेशुमार दौलत और लग्जरी कारों के कलेक्शन तक तो ठीक था, लेकिन पता चला है कि जैकलिन के पास खुद का प्राइवेट आइलैंड भी है। 200 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन की फोटो वायरल होने से अचानक वो सुर्खियों में आ गई हैं। जैकलिन 12 साल से फिल्मों में काम कर रही हैं। मिस यूनिवर्स श्रीलंका रह चुकी जैकलिन फिल्मों में आने से पहले टीवी रिपोर्टर का काम करती थी। जैकलिन ने साल 2009 में फिल्म अलाउद्दीन से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद वो मर्डर 2, हाउसफुल 2, रेस 2, किक और फ्लाइंग जट जैसी फिल्मों में नजर आईं। जैकलिन की फिल्में तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। जैकलिन बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद उल खलीफा को डेट करती थी, लेकिन फिर उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद जैकलिन का नाम साजिद खान के साथ जुड़ा, लेकिन वो रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद सलमान खान के साथ भी जैकलिन के करीबी रिश्ते रहे, लेकिन अब उनका नाम सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ रहा है। जैकलिन के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। इनमें कई लग्जरी गाड़ियां और घर शामिल हैं। जैकलिन पहले किराए पर रहा करती थी, लेकिन इस साल ही उन्होंने एक लग्जरी फ्लैट खरीद लिया। श्रीलंका में उनका खुद का प्राइवेट आइलैंड भी है। इतना ही नहीं, कोलंबो में भी उनका एक बड़ा रेस्टोरेंट है। जैकलिन की संपत्ति ने लोगों के होश फाख्ता कर दिए हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताइए, और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।